हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को इस लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, और जो कि आप देख सकते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जितने सारे कॉलेज झारखंड में हैं, 6 सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन कौन सा मॉड्यूल जो कि हम लोग को जानना है इम्पोर्टेंट है, और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बताएंगे। मींस अभी जो है कि इस लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं, और कौन सा बुक, विच बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बीटेक एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल्सो फॉर द गेट एग्जामिनेशन। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैं अभी आप लोग एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जस्ट वेट ओके। सो जैसे आप लोगों का जो कोड है, सबसे पहले तो कोड इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है कि ELC602 ये जो है कि आप लोग का कोड है। कभी कभी जीओटी में कोड का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये ELC602 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो कोर्स आउटकम्स है C1, ये सब को ज़्यादा आप लोग को समझना नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए रखना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल में आप लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट क्या हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे कि पहले टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये आते हैं इसमें हम लोग जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली जैसे कि आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़े हैं, पीएन जंक्शंस के बारे में, डायोड्स के बारे में, और जो ट्रांजिस्टर्स मॉस्फेट है ना, तो एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हम लोग पावर लेवल का बात करते हैं। मीन्स हम लोगों ने वहाँ पर सिंपली बेसिक जो है कि स्मॉल सिग्नल्स लेवल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किए थे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट होगा इसमें हम लोग हायर रेटिंग्स के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताऊँगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का डिटेल भी बताऊँगा। तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 में पावर डायोड देख सकते हैं, BJT, MOSFET, IGBT, थायरिस्टर। बेसिकली यहाँ पर थायरिस्टर में जो है कि कंप्लीट है, देख सकते हैं थायरिस्टर का फायरिंग प्रोटेक्शंस, टर्निंग ऑन टर्निंग ऑफ मेथड्स। तो ये मॉड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। एंड यह जो हम देख सकते हैं 10 लेक्चर है, लेकिन 10 लेक्चर से ज़्यादा भी हो सकता है। AC-DC कन्वर्टर्स मॉड्यूल 2 में इंपॉर्टेंट है, AC-DC कन्वर्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। AC-DC कन्वर्टर बेसिकली हम लोग रेक्टिफिकेशन को कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल अनकंट्रोल के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर, सिंपल बेसिक रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव हाफ वेव, डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए, आर रेजिस्टिव लोड के लिए, आर एल लोड के लिए, ठीक है। और मॉड्यूल 3 में क्या है, DC-DC बक एंड बूस्ट कन्वर्टर, बेसिकली इसको हम लोग चॉपर भी कहते हैं, तो इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डिजाइन क्या है, और एक्चुअली लेबोरेटरी जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेबोरेटरी में भी हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो है करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में DC-DC बक एंड बूस्ट कन्वर्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल 4 में आते हैं, जिसमें सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स, जिसमें इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना है। और मॉड्यूल 5 में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ही है, लेकिन इसमें 3 फेज के बारे में पढ़ना है। तो सिंगल फेज एंड 3 फेज, मॉड्यूल 4 एंड 5 जो इन्वर्टर है, और सिंगल फेज एंड 3 फेज, और इसके अंदर में जो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के, सो 1 बाय 1 चीज़ें सारी क्लियर होगी। एक्चुअली फर्स्ट में सिलेबस के इंट्रोडक्शन को समझना जरूरी है कि सिलेबस में एक्चुअली पढ़ना क्या है। AC वोल्टेज कंट्रोलर देख सकते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर, AC वोल्टेज कंट्रोलर में हम साइक्लो कन्वर्टर, फेज कंट्रोल एंगल, ये सब के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मॉड्यूल हम लोग देख रहे हैं, तो टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्टर के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों को पूरा अभी डिटेल बताऊंगा कि कन्वर्टर कितने कितने तरह के पढ़ना है हम लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो बात आती है कि बुक्स, सो जैसा कि मैंने कहा कि जो बुक्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में MH रसीद, ठीक है। मैं देखिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये जो रसीद का बुक है, MH रसीद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर्किट्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसका सॉफ्ट कॉपी भी जो है, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी जो है कि लाइब्रेरी में आप लोग देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। और यहाँ पर बेसिकली इस बुक को यदि देखा जाए तो इसमें कंटेंट बहुत अच्छे से दी हुई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो सारी कंटेंट को मैं आप लोग थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक हिस्ट्री, मतलब ये कंप्लीट जो है कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एक कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी।
और देखिए कंटेंट में पावर डायोड रेक्टिफायर सारे मॉड्यूल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, डायोड रेक्टिफायर्स, पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, डीसी डीसी कन्वर्टर्स। सो मल्टी लेवल इन्वर्टर, मल्टी लेवल नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पर जो है कि कंटेंट जो है कि लगभग आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, कंट्रोल रेक्टिफायर, एसी वोल्टेज कंट्रोल है जो साइकिल कन्वर्टर का बात कर रहे थे, तो यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आप लोग का पावर ऑफ पीएस भीमराव, ये बुक भी मैं बीटेक जितने भी हैं सेमेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पीएस भीमराव, ठीक है, ये भी बहुत ही मतलब अच्छी बुक है जिसमें लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आप आसानी से जो है कि समझ सकते हैं एक बार इसको पढ़ करके। तो मैं दोनों बुक ही प्रीफर करूँगा अभी फिलहाल, आप भीमराव को यूज कर सकते हैं, भीमराव को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी जो लैंग्वेज है जो आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही ईजी वे में दिया गया है। इंट्रोडक्शन में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर जिसमें हम लोग को पहला मॉड्यूल में जो देख रहे हैं, डायोड सर्किट रेक्टिफायर, मतलब सारी मॉड्यूल जितना आपका सिलेबस है ये पीएस भीमराव में आपको 100% मिल जाएगी, देख सकते हैं। थायरिस्टर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, चॉपर, डीसी डीसी कन्वर्टर जो चॉपर, इन्वर्टर्स, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स। सो ये पीएस भीमराव का बुक जो है कि आप लोग को हमको वहाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएस भीमराव बुक ही जो है कि आप लोग अभी प्रीफर कीजिए, और जैसा कि नेक्स्ट जो क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रिक्स होगा, तो इस सिलेबस को समझने के बाद आइए नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। सो ओके बाय ऑल ऑफ यू, आई होप दैट आप लोगों को ये सिलेबस के बारे में कम से कम आइडिया हो गया है कि सिक्स सेमेस्टर में कितने मॉड्यूल पढ़ना है और कौन सा बुक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके।